राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा कर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। देखिए, हिंदी में बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी। तो इनका जीवन परिचय सुनिए। जन्मस्थान लमही ग्राम, जिला वाराणसी, और इनका जन्म हुआ 1880 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1936 ईस्वी में। इनके पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी था, और दूसरा विवाह इनका शिवरानी देवी के साथ हुआ। कम अवस्था में यानी बाल्यावस्था में ही पढ़ रहे थे तभी विवाह हो गया था। तो पहले विवाह से बात नहीं बनी, दूसरा विवाह फिर शिवरानी देवी के साथ इनका हुआ। और इनका जीवन निर्धनता में ही बीता, बहुत संघर्ष की। तमाम इनकी रचनाएं हैं, साहित्य के लिए इनकी देन है। कुछ रचनाएं आपके सामने हैं, उपन्यास और कहानी संग्रह से सभी बताएंगे। इसमें उपन्यास रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, सेवा सदन, गबन, गोदान इत्यादि, और कहानी संग्रह है प्रेरणा, कफन, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, मानसरोवर इत्यादि। ठीक है, और बातें ध्यान से सुनिए। तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव वाराणसी से 3-4 किलोमीटर दूर है, पहले ही पड़ता है। इनके पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी की बाल्यावस्था अभाव में व्यतीत हुई। इन्होंने बड़े परिश्रम के साथ शिक्षा ग्रहण का कार्य अपना किए। इनका विवाह विद्यार्थी जीवन में ही हो गया, लेकिन वह विवाह अनुकूल नहीं था। फिर दूसरा विवाह शिवरानी देवी के साथ हुआ। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रेमचंद जी 20 रुपये मासिक पर एक विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिए। फिर इसके बाद वह विद्यालय में ही डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करने लगे, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण डिप्टी इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दे दिए, और त्यागपत्र देकर पुनः फिर शिक्षण कार्य ही अध्यापन का ही कार्य करने लगे। ठीक है, और शिक्षा अध्ययन में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। फिर असहयोग आंदोलन जब छिड़ा तो सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए। त्यागपत्र दे करके असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। त्यागपत्र देने के बाद विद्यालय से अलग हो गए, सरकारी सेवा से अपना स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले लिए। फिर साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने पर ए मर्यादा पत्रिका का संपादन प्रारंभ किए। 1.5 वर्ष तक संपादन कार्य करने के बाद फिर
काशी विद्यापीठ में चले गए। काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक के पद पर वहाँ नियुक्त हुए। इसके बाद अपना खुद प्रेस खोल करके चलाने लगे, इसमें हंस और जागरण नामक पत्रिका का संपादन किए। तो प्रेस चलाने में इन्हें काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, नुकसान हुआ। तो वो अभी कार्य अपना बंद कर दिए। फिर बॉम्बे चले गए और 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर फिल्म कंपनी में नौकरी किए। वहाँ भी स्वास्थ्य इनका खराब हो गया, तो वहाँ से नौकरी छोड़ करके पुनः फिर गांव आ गए और घर पर ही रह करके अपना संपादन का कार्य करने लगे। स्वास्थ्य खराब होने पर बीमारी से ग्रसित हो गए और सन 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जीवन में काफ़ी संघर्ष किए। अब इनकी रचनाएं सुनिए। उपन्यास, तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, श्रेष्ठ कहानीकार कहा जाता है। इनके उपन्यास हैं कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, गबन, गोदान इत्यादि। इनकी कहानी है नवनिधि, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, मनमोदक, मानसरोवर इत्यादि। और इनका नाटक है करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। इनका निबंध संग्रह है कुछ विचार के नाम से, कुछ संपादित कुछ अनुदित रचनाएं हैं। तो संपादित रचनाएं हैं गल्प रत्न और गल्प समुच्चय, अनुदित रचनाएं हैं अहंकार, सुखदास, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टालिस्टाय आदि। अब इनकी भाषा शैली थी, तो भाषा शैली में वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली और भावात्मक शैली का ये प्रयोग किए। इनकी भाषा के दो रूप मिलते हैं। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता, और दूसरा रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। यही भाषा प्रेमचंद की प्रतिनिधि भाषा है। इसी भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी श्रेष्ठ कृतियों में किया है। इनकी भाषा अधिक सजीव, व्यावहारिक और प्रवाहमयी रही। इन्हें हिंदी साहित्य में क्या स्थान मिला? तो कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी भारतीय समाज के सजग प्रहरी और सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार थे।
इनके साहित्य में सामाजिक बंधनों में छटपटाती हुई नारी की वेदना, वर्ण व्यवस्था की कठोरता, किसानों की दीनदशा और हरिजनों की पीड़ा के मर्मस्पर्शी चित्र उपस्थित हैं। ये श्रेष्ठ कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। ठीक है, तो यहाँ आपके पाठ्यक्रम में मंत्र नाम की इनकी एक कहानी है, जो कि एक मर्मस्पर्शी कहानी है।